एटा जिले में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत मंगलवार को एमबीएस और जेके लोन अस्पताल में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत पूरे अस्पताल परिसर की सफाई की गई। इस दौरान निगम आयुक्त अनुराग भार्गव, उप महापौर पवन कुमार मीणा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके तहत ही उप महापौर पवन मीणा ने बताया कि शहर में पिछले 10 दिनों से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में मंगलवार को एमबीएस और जेके लोन अस्पताल परिसर की सफाई की गई। वहीं दूसरी ओर नगर निगम आयुक्त अनुराग भार्गव ने बताया कि कोटा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आम जन से सहयोग की अपील की गई है। इसके तहत ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीज को अच्छा शुद्ध वातावरण मिले, इसके लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। स्वच्छता मार्च के नाम से एक सफाई अभियान की शुरुआत की गई थी नगर निगम कोटा दक्षिण में। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का ये अभियान था और सफलतापूर्वक जहाँ जहाँ भी हमारी टीम गई है, चाहे वो फल सब्जी मंडी हो, मोटर मार्केट हो, मोटरसाइकिल मोटर मार्केट हो, या ट्रांसपोर्ट नगर हो, या डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो, हमने ऐसी ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, रोज़ जो है कचरा इधर उधर फैला रहता है। इस स्वच्छता मार्च सफाई अभियान के माध्यम से हम लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं कि जो कोई भी कचरा, जब कोई भी कोई वस्तु का जब आप उपयोग करते हैं, उसमें से जो भी वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, उसको आप इधर उधर ना डालें। उसको जो निर्धारित कहीं कोई कचरा पात्र हो उसके अंदर ही डालें। संस्थाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक दिन हमारी उपमहापौर साहब पवन जी से बात हुई कि हमें भी सुविधाएं चाहिए यहाँ पे, जो हमारे आसपास जो गंदगी या कुछ जो कचरा पॉइंट्स बने हुए हैं उनकी साफ सफाई करने के लिए। तो सर ने कहा कि ठीक है, हम एक दिन आते हैं। तो आज इस अभियान के लिए सर ने हमारे रिक्वेस्ट पे सर आए और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए और अब सफाई का पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और पूरा हमारे अस्पताल को स्वच्छ रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल हमने नयापुरा बस स्टैंड को लिया था और आज एमबीएस हॉस्पिटल, एमबीएस और जेके लोन, इन हॉस्पिटल्स को लिया हुआ है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं और काफ़ी यहाँ पर जनता का दैनिक रूप से आना जाना होता है, यहाँ काफ़ी मरीजों का भी रहता है और काफ़ी गंदगी भी बहुत रहती है, लगातार रहती है। तो इसलिए हमने इसको लिया कि इसको अभियान के तौर पे एक अच्छे से इसको एक साफ भी करा जाए और जिससे कि जनता के बीच में भी मैसेज जाएगा कि नगर निगम और साथ ही साथ में हमारे शहर की संस्थाएं सब लोग स्वच्छता को लेकर के बहुत सीरियस हैं और जागरूक हैं और काम जो भी हो सकता है सब अपने अपने स्तर से सभी लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं।